तो देखिए, लोहा का फैक्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को चाहिए सामग्री, और जो सामग्री है वो हम पूरा आपको लिस्ट दे दिए हैं सामने आपके स्क्रीन के। अब आप लोगों को इसको जुगाड़ करके रख लेना है। ये नहीं जुगाड़ कर पाइएगा तो फिर फैक्ट्री कैसे बनेगा? फैक्ट्री बनाना है ना जी, तो फैक्ट्री बनाने के लिए पहले सामग्री जुगाड़िए। तो देखिए, 32 लीव्स ये आप नहीं भी रख सकते हैं, ये हम घेरा बनाने के लिए साज श्रृंगार का सामान ले लिए थे। आप नहीं भी चाहते तो कुछ और इसके जगह पे ले सकते हैं। घेरा बनाने के लिए बेसिकली हम इसका यूज किए थे। 4 हॉपर्स, 2 चेस्ट, 20 फ्लेचिंग टेबल्स, 20 बेड्स, 1 कैंप फायर, 1 लावा बकेट, 2 वाटर बकेट्स और 11 साइंस। साइंस मतलब साइन बोर्ड। भाई बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल दिए हैं, कोई बात नहीं। ये सब सामग्री है, आपको बढ़िया तरीके से जुगाड़ कर लीजिए, रख लीजिए, और उसके बाद चलते हैं हम लोग जगह खोजने, क्योंकि फैक्ट्री बनाने के लिए तो हमारे को जगह चाहिए होगा। बढ़िया जगह रहेगा तब ना बढ़िया फैक्ट्री बनेगा, ज्यादा हम लोग लोहा पे लोहा उत्पादन करेंगे। तो चलिए जगह खोजते हैं, और कैसा खोजना है ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, आपको ऐसा समतल जमीन खोज लेना है। अगर आपके वर्ल्ड में और भी आयरन फार्म है तो उससे 150 ब्लॉक दूरी पे खोजिएगा, और हाँ, विलेज के भी 150 ब्लॉक दूरी पे खोजिएगा, नहीं तो खेला गड़बड़ा जाएगा आपका। और ऐसे समतल जमीन खोजने के बाद 5x5 का आपको यहाँ पे गड्ढा कोड लेना है। तो गड्ढा आप बढ़िया से कोड लीजिए, उसके बाद ये हमारा पहला लेयर है। हमारे को और 11 लेयर तक नीचे जाना है, तो हमारा काम यही है कि हम 11 लेयर तक इसको कोड़ते जाएं। तो देखिए, काम तो ज्यादा है, इसके बाद हमारे को रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा मिलेगा। इंग्लिश भी बीच बीच में बोल दे रहे, देख रहे हैं ना। तो देखिए, एक बार आप गड्ढा कोड़ लिए, उसके बाद आपको यहाँ पे ना नीचे आप पत्थर लगा दीजिए, ऐसे ही रैंडमली लगा दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग को लगाना है बिस्तर। वो हम क्यों लगा रहे हैं ये आपको बाद में बताएंगे, बाद में पता चल जाएगा। तो इस तरीके से बिस्तर लगाइए। देखिए, नीचे जो पत्थर यूज किए हैं इसका कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कलाकारी के लिए कर दिए थे ताकि हमारे को बिस्तर जो है ऊपर तैरता हुआ मिल जाए। देखिए, ध्यान से तोड़िएगा सारा पत्थर को। देखिए, हम भी ध्यान से तोड़ लेते हैं, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा तो खेला गड़बड़ा जाएगा, फिर आयरन हमको मिलेगा नहीं, और फिर बोलिएगा आप लोग, हमको गाली दीजिएगा, बोलिएगा कि ले लोहा तो हो भी नहीं किया, इसमें प्रकटे ना हो रहा, उत्पादन ना हो रहा। ऐसे अब आपको नीचे में भी बिस्तर लगा लेना है, तो टोटल हमारे पास 20 गो बिस्तर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये वाला एरिया को आप पूरा अच्छा तरीके से भर दीजिए, और उसके बाद अब यहाँ पे आपको फ्लेचिंग टेबल यहाँ पे डालना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कोना कोना में पत्थर को डाल लीजिए, और इसके बीच में यहाँ पे एक पत्थर डाल के यहाँ पे टॉर्च डाल लीजिए। बढ़िया, एकदम लाइट वाइट आएगा। अब देखिए किस तरीके से हम फ्लेचिंग टेबल डाल रहे हैं, ये ध्यान से देखिएगा, एकदम ऐसे ही करते जाइए। आप लोग अपना कलाकारी मत कीजिएगा, ऐसे ही करते जाइए। हम भी देखे हैं, कहीं से कॉपी कर लिए हैं, ज्यादा हम कलाकारी वाला में चीज में नहीं जाते हैं। देखिए, बढ़िया लग रहा है ना, एक नंबर। अब हमारा आधा कार्यक्रम पूरा हो गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा को ढाप देंगे। अब ढापने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इस सब पत्थर का काहे लिए रखे हैं, हम लोग यूज करेंगे इसको, पत्थर को लगाएंगे और पूरा ढाप देंगे नीचे हमारा ढांचा, और नीचे ही में सारा मामला होगा। अब देखिए, ये जो बीच वाला पत्थर है ना, इसको हम लोग तोड़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे को जो एरिया है इसको बढ़ाना पड़ेगा। जो हमारा 5x5 का एरिया था, अब उसको हम लोग बढ़ा के 9x9 का एरिया में हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो पूरा जो हमारा जो जमीन है वो कितना हो जाएगा, 9x9 एरिया का। वो नहीं, जो नीचे हम लोग बेस बनाए वो तो 5x5 वाले में ही होगा, लेकिन इसके ऊपर जो हमारा अब आयरन गोलम, जहां पे हम लोग फंसा के उसको मारेंगे और जहां से हम लोग कलेक्शन करेंगे आयरन का, उसके लिए 9x9 का होना जरूरी है। तो 9x9 का हम लोग यहाँ पे बढ़िया से सपाट कर लिया है एरिया। अब ऊपर भी इसको तोड़ देते हैं, रुकिए। तो देखिए, मेहनत तो हमारे को पूरा लग रहा है, लेकिन उसका हमको फल भी बहुत मिलेगा। दुनिया भर का लोहा आएगा भाई, दुनिया भर का लोहा पे लोहा एकदम हम बनाएंगे। उसके बाद गाड़ी और जो बनाना होगा आप लोग बनाइएगा। देखिए, अब अच्छा लग रहा है ना। अब देखिए, जो नीचे हमारा 5x5 एरिया का जो हम लोग डिब्बा बनाए थे, उसका बीच में जाके हम लोग ना तोड़ देंगे ब्लॉक। लेकिन उससे पहले अगर देखिए, आपको पहले डिसाइड करना कि आपका बैक कौन सा होगा, मतलब पिछवाड़ा जो आपका फार्म का है वो कौन सा होगा। वहां पे आपको इस तरीके का ट्रायंगल शेप में बना लेना है पत्थर से, और वहां पे पानी डाल देना है दोनों कोने पे। अब देखिए, जैसे ही आप पानी डाल दिया, यहाँ पे टी शेप का बन गया है। अब इसको आप माइंड कीजिए, वैसे हमारा नाम भी तुषार है, टी ही से शुरू होता है। अब देखिए, यहाँ पे हॉपर रख दीजिए टी शेप में ही, ठीक है। और उसके बाद हमारे को क्या करना है, यहाँ पे आपको तोड़ के अपने निकलने के लिए जगह बनाना है, और चेस्ट रखने के लिए। भैया, हॉपर रखे तो उसमें कलेक्शन भी तो होना चाहिए ना, आयरन कहाँ कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकल लिए, यहाँ पे चेस्ट रख दिया, और ऊपर चढ़ने के लिए अब यहाँ पे सीढ़ी बना लीजिए, ताकि आप नीचे से ऊपर आराम से चढ़ उतर सके। अब देखिए, इतना बढ़िया हमारा जो है बन गया है। अब यहाँ पे हमारे को गोलम अगर आएगा तो मरेगा कैसे, उसका जुगाड़ लगाना है। तो यहाँ पे बीच वाले हॉपर पे लगा देंगे कैंप फायर, और उसके बाद हमारे को साइन बोर्ड लगाना है। जिस तरीके से हम साइन बोर्ड लगा रहे हैं ना, वैसे ही लगाइएगा, नहीं तो खेला गड़बड़ा जाएगा। तो फिर हमको मत बोलिएगा कि नहीं नहीं आप तो गलत बता दिए हैं, इसमें तो खेला गड़बड़ा जा रहा है, हमारा आयरन का उत्पादन नहीं हो पा रहा है।
बढ़िया से मारना है अगर गोलम को तो ऐसे ही लगाइएगा, ठीक है। अब इस साइड में भी आपको साइन बोर्ड इसी तरीके से लगाना है। अब देखिए क्यों लगाना है ये आपको अभी बताते हैं। पहले यहाँ पे देखिए लावा डाल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से लावा फैलेगा। देखिए लावा फैल गया है और इधर उधर लावा नहीं जा रहा है, बस इसी के लिए साइन बोर्ड का कार्यक्रम हम लोग इस तरीके से किए हैं ताकि एकदम बकायदा गोलम आए और इसमें आग में जल के वो हमारे को आयरन पे आयरन देता जाए और हमारा नीचे में कलेक्शन हो जाए। अब देखिए ये जो लीव्स हम बोले थे आपको शुरुआत में कि 32 को लीव्स लेना है, वो इसीलिए लिए थे क्योंकि हम यहाँ पे घेरा डालने वाले थे। अब आप यहाँ पे कुछ कलाकारी कीजिए, यहाँ पे आप तंबू बना दीजिए या कुछ भी बना दीजिए, वो आपकी मर्जी है, आपका क्रिएटिविटी। अब देखिए फैक्ट्री बना दिए हैं तो वर्कर भी होना चाहिए ना, वर्कर को लाने के लिए विलेजर लाना होगा, विलेजर लाने के लिए ऐसा ढांचा बना लीजिए। अब ऐसा ढांचा क्यों बोल रहे हैं, इसमें लाके विलेजर को गिराना है तो दो गो विलेजर लाएंगे और दोनों में प्यार मोहब्बत करके 20 गो विलेजर बना लेंगे। अब देखिए ई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं रेल वाला सिस्टम। यहाँ पे क्या करेंगे, रेलगाड़ी लेके आएंगे, ट्रेन का पटरी बिछा देंगे और इसमें लाके ट्रेन के सहारे इसको गिरा देंगे, इसके अंदर फुसला बहला फुसला के लेके आएंगे और इसके अंदर गिरा देंगे बहुत बढ़िया से, एकदम उसको हो जाएगा चोपा, हमारा काम तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक लाना तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ तक लाने के लिए आपको उसको पुचकारी है कुछ भी दीजिए, चॉकलेट दीजिए, अरे ऐसा मत कीजिएगा, बोट में बैठा के ले आइएगा ना जी। देखिए दोनों विलेजर आ गया है, इसको यहाँ पे रेल कार्ट में बैठा के ढकेल दिए, देखिए गिर गया। अब थोड़ा सा और ढकेलते हैं, काहे नहीं गिरा रे, इसका ये वाला तोड़ना होगा, रुकिए देखिए गिरा ना, बढ़िया। अब इसी तरह से दूसरका वाले को कर दीजिए, देखिए बीच में तो ट्रेन वाला रेल वाला टूट गया, इसको लगा देते हैं। हाँ अब देखिए ये मिनी कार्ट को हम यहाँ पे चला दिए हैं, बढ़िया, जाओ रे तुम भी गिर जाओ, वो अकेले क्या करेगा। देखिए दोनों गिर गया है, अब नीचे जाके उसका जो मिनी कार्ट है इसको हम तोड़ देंगे, जो कार्ट है जिसमें लाया है इसको तोड़ देंगे, इसका नाम हम भूल जाते हैं बार बार। अब देखिए इन लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ब्रीड कराना है, तो बढ़िया से गाजर दे देते हैं, अकेले क्या करेगा, ब्रीड ही ना करेगा, दोनों आराम से मस्ती करेगा, प्यार मोहब्बत करेगा और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक छोटा विलेजर। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, छोटा बच्चा से हमारे को काम नहीं चलेगा, हमारे पास एकदम फुल ग्रोन विलेजर होना चाहिए भाई, एकदम बड़ा विलेजर। और उसके बाद यहाँ पे आपको जितना भी रेल वाला सिस्टम है इसको तोड़ देना है, हमारा को इसका कोई काम नहीं था, इसको हमारे को लगाना था केवल केवल विलेजर को नीचे ट्रैप करने के लिए, वो काम हमारा हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोग क्या कर रहा है, क्या कर रहा है जी, तुम लोग काम करना नहीं शुरू करेगा ना, अच्छा करेगा, देखिए प्यार मोहब्बत होने लग गया। अब हमारे पास आएगा छोटा विलेजर, आ जाओ जल्दी से छोटा विलेजर, कहाँ आया, आया कि नहीं आया, अरे नहीं आ रहा, प्यार मोहब्बत लग रहा बढ़िया से नहीं हो पा रहा इन लोगों में, आएगा आएगा, थोड़ा सा वो रखो, सब्र रखो, सब्र, आ गया, ये देखिए छोटा विलेजर आ गया। और देखिए एक चीज बोल रहे थे ना, ई वाला जो ग्रीन कोट वाला विलेजर है ना, ई हम लोगों को नहीं चाहिए, इसको हम लोगों को मार के हटा देना है, हट साला, इसको मार के हटा दीजिए, क्या कि ये हमारे कोई काम का नहीं है, हमारे पास 20 होना चाहिए विलेजर। देखिए पूरा यहाँ पे भर गया, एकदम दुनिया भर का यहाँ पे भीड़ लग गया है। अब हम लोग चलते हैं, अब इसको ढाप देते हैं यहाँ पे, अब हमारा काम हो गया है, नीचे हमारा विलेजर का काम हो गया है। अभी गैया को गिरा के एक बार देखते हैं ये हमारा किल सिस्टम जो है बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं, मार रहा है कि नहीं। देखिए गाय एकदम पीछे की तरफ जा रहा है ना, ये यहाँ पे फोर्स वाटर का फोर्स के कारण देखिए गाय फिसलता हुआ चल गया आगे में और आगे में जाके भस्म हो गया। इसी तरह से आयरन गोलम अगर आके इसमें गिर गया ना तो ऐसे ही भस्म होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आयरन गोलम को इसमें गिरा के कि अब बढ़िया से गिर रहा है कि नहीं, और हमारा जो सिस्टम है पूरा आयरन फार्म का वो काम कर रहा है कि नहीं, और हमारा आयरन भी तो उत्पादन होना चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा सबर करते हैं। वैसे तो हाँ एक और बात बता दे आपको, देखिए आयरन गोलम गिर गया है, देखिए जल रहा है बहुत अच्छा से। अब हमारे को पक्का पक्की आपको नीचे आयरन देखने को मिलेगा, वो जो चेस्ट हम लोग रखे थे ना वहां पे, चलिए आपको दिखाते हैं, जरा जल्दी से चले नीचे और आपको इसके अंदर दिखाते हैं। देखिए 1 2 3 4 वाह, हमारे पास आ रहा है आयरन खूब सारा। अब ये जो आपका फार्म है ये आपका प्रोड्यूस करेगा 250 से 300 आयरन का इंगोट, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, इजी है और आयरन भी ठीक ठाक प्रोड्यूस कर देता है। अब आप चाहते हैं और भी एडवांस वर्जन का बनाना तो आप बना सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन हमको आसानी चाहिए भाई, हमको इतना मेहनत नहीं चाहिए, मेहनत से बहुत भागते हैं, इसीलिए हम आसान वाला रास्ता अपनाएंगे, ऐसा वाला बनाएंगे और बढ़िया से खेलेंगे। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो हमको जरूर बताइएगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और बता रहे हैं। देखिए जो आप बनाइएगा ना आयरन गोलम जो है, आप आजू बाजू का केव्स को तोड़ के हटा दीजिएगा, वहां पे मत बनिएगा जहां पे गुफा उफा है, काहे कि जो आयरन गोलम है फिर वो गुफा में पनपने लग जाएगा तो खेला गड़बड़ा जाएगा। तो आपको ऐसा जगह बनाना है जहां पे केव्स उस पास में ना हो, वहां पे आप आराम से बनाइए और आपका बहुत अच्छा ये फार्म बनेगा और दुनिया भर का आप आयरन उत्पादन इसमें कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा,
मेरे को पक्के से पता है, हमको नहीं पता। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट तो आपको करना ही करना होगा। नहीं करिएगा तब क्या कर सकते हैं हम, यही ना बोलेंगे कि प्लीज कर दो भाई लोग, प्लीज कर दो, सपोर्ट कर दो। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद जय भारत।